Hello, students. Welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion, and we will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs. Topic for this lecture is hydrocarbons. So, let us start the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? So, already in the previous lecture, we have done some questions on hydrocarbons. The main point to be learnt is that petrol is nothing but a mixture of hydrocarbons. Petrol is made up of some cyclic, some aromatic, and some unsaturated hydrocarbons, right and uh, in this lecture mainly we have to learn about the types of reactions they undergo alkanes are having different type of reactions alkenes are showing electrophilic addition but alkanes cannot show addition alkanes are already saturated so in electrophilic addition the intermediate will be a carbocation and stable carbocation will lead to the product formation and electrophile will attack in the slow step slow step is always the rate determining step Apart from that, we have to compare the reactions of alkenes and alkynes. And when it comes to aromatic compound, then you will find that they do not undergo addition reaction. In aromatic compound, addition is not easy because it will lead to the loss of aromaticity. So they undergo electrophilic substitution reaction. So we have to revise these concepts through these questions. Let's start with the question number twenty-third right so 22 questions were done in the previous lecture the question number 23 is an alkene having molecular formula c7h14 was subjected to ozonolysis in presence of zinc dust ozonolysis karna in presence of zinc dust and equimolar amount of the following two compounds was obtained ye do compound milte hain, iupac name of the alkene is बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में नीट में जब आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दिया होता है जैसे यहां ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट दिया है एक दिया है एसीटोन और एक दिया है ब्यूटेन टोन राइट तो दो प्रोडक्ट्स के थ्रू आपने रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर निकालना है तो क्या तरीका है आप पहले स्ट्रक्चर्स को एक्सपेंड करके लिखिए ये हमें एक तो मिला था एसीटोन दूसरा मिला था टू ब्यूटेनोन राइट दे ऑक्सीजन फेस इच अदर कार्बन एल कार्बन एक दूसरे के सामने लिखने ऑक्सीजन फेस करेगी और फिर जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दीजिए और कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड शो करिए ये दो कार्बन जिनपे हम टिक कर रहे हैं इनको अटैच करना है राइट right? ये हो गया ओजोनॉलिसिस का रिएक्टेंट मतलब इस सेल्किन के ऊपर ओजोनोलिसिस किया था तब आपको वो प्रोडक्ट मिला था जो दो कि दो किटोन आ रहे हैं गॉट एट सो ओजोनॉलिस रिएक्शन जो होता है आई कैन मेंशन ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट कैन हेल्प टू लोकेट दोजीशन ऑफ इट कैन हेल्प टू लोकेट दोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन रिएक्शन का ये फायदा है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है वो पता चल सकता है हम फ्रेगमेंट को एक दूसरे के आमने सामने लिखते हैं और ऑक्सीजन को हटा देते हैं डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में क्रिएट करके प्रोडक्ट दिख जाएगा अब आंसर बनाते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर बना उसके अगर नॉर्मन के हिसाब से नेमिंग करें तो ये कार्बन है फाइव कार्बन इन द स्ट्रेट चेन र दब्स्टिच्यूएंट सो थ्री और फोर पे मिथाइल है कैन आई कॉल इट थ्री फोर डाई मिथाइल पेंट टू इन सो नंबरिंग हमने ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले हमारे यहां तो नंबर थ्री मिल रहा है तो आपको नंबरिंग राइट right से नहीं नंबरिंग लेफ्ट से करो ताकि डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए तो इट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये सिचुएशन था हमारे मॉलिक्यूल का यहां पर था सी एच टू और यहाँ पे था सी एच थ्री इट इज पेंट टू इन सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू थ्री डाई मिथाइल टू पेंटीन आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी अदरवाइज टू पेंटीन तो बी ऑप्शन में भी है पर वहां पे फिर टू फोर डाई मिथाइल दिया है टू फोर नहीं है ये टू और थ्री पे है मिथाइल आप चेक करिए ऑन सेकेंड कार्बन एंड ऑन थर्ड कार्बन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट गॉट इट लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर ट्वेंटी थ्री वी कम टू ट्वेंटी फोर इथेन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सोल्यूशन द रिएक्शन इज नोन एज रेक्षन, वुड्स रेक्षन और तो इथेन बनाना है सी एच थ्री आई इथाइल आयोडाइड में जब हम सोडियम और ड्राई डालते हैं तो प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे पहले रिएक्टेंट्स को एक्सपैंड करके लिखते हैं सॉरी मिथाइल आयोडाइड क्वेश्चन में मिथाइल आयोडाइड दिया है सोडियम एंड ड्राई ईथर एंड प्रोडक्ट विल बी इथेन दिस इज वुड्स रिएक्शन दिस इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन राइट तो क्लिमेंसन रिडक्शन नहीं है ये इफ आई हैव टू राइट ए ऑप्शन का डिटेल क्लिमेंसन रिडक्शन ये अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे एल लेके आप क्लिमेंसन रिडक्शन में क्या ऐड होता है जिंक मर्करी एचसीएल जिंक मर्करी एचसीएल ऐड करते हैं और आंसर एल्केन आता है एल टू एल्केन। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं है ये कॉल्ब्स रिएक्शन भी नहीं है कॉल्ब्स रिएक्शन में आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है फिनोल उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं एंड यू हैव हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अटैकिंग एट ऑर्थो पोजिशन एंड दिस सैलिसेलिक एसिड बलता है ये कॉल्ब्स रिएक्शन है तो ये भी आपका आंसर नहीं है और कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डीहाइड किटोन के चैप्टर में आता है दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट इन कैनिजारोज रिएक्शन क्या डिटेल होता है वी हैव एल डी हाइड एंड एन एच विच इज फिफ्टी परसेंट देयर विल बी डिस्प्रोपोर्शनेशन टू एलडी हाइड्स विल ब्रेक वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल विल बी अपटेन्ड तो ये आपका डिटेल है वुड्स रिएक्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर सिंपल क्वेश्चन था आपको तीन चार नेम्ड रिएक्शन दी है और रिक्नाइज करना है तो आंसर बनता है ऑप्शन सी राइट कमिंग टू क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर किसका बॉइलिंग पॉइंट हाइएस्ट होगा ऑप्शन है आइसो ऑक्टेन एन ऑक्टेन टू टू थ्री थ्री टेट्रामिथाइल ब्यूटेन और एन ब्यूटेन बॉइलिंग पॉइंट हाइएस्ट के लिए आपको आंसर करना है सो ये बात याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन मॉलिकुलर मास हायर इज द मॉलिकुलर मास हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो आइसो ऑक्टेन एन ऑक्टेन में से जो दोनों का मोलर मास सेम आएगा आइसोक्टेन का भी एन ऑक्टेन का भी दूसरा चीज क्या होता है अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम अगर मोलर मास सेम है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट इज मोर फॉर मोर सरफेस एरिया हाई सरफेस एरिया और वी कैन से मोर सरफेस एरिया जिसका भी सरफेस एरिया ज्यादा है वो ज्यादा वंडरवर्ल्ड इंटरेक्शंस क्रिएट करता है मोर सरफेस एरिया मीन्स मोर वंडरवर्ल्ड इंटरेक्शंस मोर नंबर ऑफ वंडरवर्ल्ड इंटरेक्शंस वंडरवर्ल्ड इंटरेक्शंस जब ज्यादा होंगी तो बॉन्ड ज्यादा ब्रेक करने पड़ेंगे तो इसलिए आपको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा तब जाके आपका सैंपल बॉयल होगा एज अ रिजल्ट आइसो ऑक्टेन तो ब्रांच स्ट्रक्चर है आइसो ऑक्टेन का मुझे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो एक कार्बन पे दो मिथाइल लगाइए ताकि आइसो बन जाए अब हमें ऑक्टेन करना है ऑक्टेन मींस मुझे टोटल आठ कार्बन लिखने थ्री हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिस इज दी फॉर्मूला फॉर आइसो ऑक्टेन अब हम बनाएंगे एनऑक्टेन एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन है एक ही लाइन में टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये एनऑक्टेन तो एन ऑक्टेन विल हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मोर वंडरवॉल इंटरेक्शन ब्रांच मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन कम होती है स्ट्रेट चेन के अंदर वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होती है उसके बाद टू टू थ्री थ्री टेट्राम ब्यूटेन अगर ड्रॉ करना है सी ऑप्शन वी हैव फोर कार्बन ब्यूटेन टू पे दो बारी मिथाइल थ्री पे दो बारी मिथाइल तो इनका मोलर मास सेम आएगा बट ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है ब्रांच स्ट्रक्चर विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड एन ब्यूटेन को तो ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं है एन ब्यूटेन हैज लो मोलर मास तो आपके पास दो प्वाइंट है माइंड में रखने के लिए एक मॉलिकुलर वेट और दूसरा स्ट्रेट चेन होना चाहिए मोर सरफेस एरिया कब होता है वेन इट इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड राइट तो हमारा आंसर बनता है एन ऑक्टेन हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्लियर कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ बॉइलिंग पॉइंट था ये आगे आता है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंपाउंड्स में एक दिया है ओ सी एच थ्री फिर दिया है ओ एच फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ओ सी एच थ्री दिस इज कॉल्ड एज एनीसोल एनीसोल के बाद आपको फिनोल दिया है फिनोल के बाद बेंजीन एंड फिर नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमें बताना है तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे आएगा जो भी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है वहां वो पहले अप्रोच करेगा ओ सी एच थ्री इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू द रिंग रिंग को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और अगर हम ओ सी एच थ्री को एक्सपेंड करते हैं तो फिर सी एच थ्री का इंडक्टिव इफेक्ट भी है सो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच रिंगोल के अंदर भी ऐसा ही सिचुएशन है यू हैव लोन पेयर ऑन द रिंग मिथोक्साइड के पास हाई इलेक्ट्रॉन एंसिटी है फिनोल के पास भी हाई है बट मिथॉक्साइड से कम है थर्ड नंबर इज बेनसिन एंड नाइट्रोबेनसिन nitro is a electron withdrawing group therefore it deactivates the ring it deactivates the ring towards electrophilic substitution reactions इट डीएक्टिवेट्स द रिंग टूर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है तो नाइट्रो के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो हमारे पास फिर ऑर्डर क्या बनेगा मिथॉक्सी टॉप पे ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है यहां इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आएगा दूसरे नंबर पे आएगा फिनोल तीसरे नंबर पे आएगी बेंजीन बेंजीन के बाद आएगा नाइट्रो बेंजीन बिकॉज नाइट्रो ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए ये डायरेक्शन है एरो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मतलब एरो विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन ये डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड क्योंकि यहां तो लोन पेयर है तो अब आपके पास आंसर बनता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएिविटी इज ऑप्शन ए वन इज मोर रिएक्टिव टू देन थ्री देन फोर टू वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन आइडेंटिफाई दी एलकाइन इन दॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन यू आर गिवन सम्काइन जिसके ऊपर आप एच टू एंड लिंक एड करते हो तो कंपाउंड ए बन है और ए का ओजोनोलिस करते हैं तो बी बनता है और ये जो बी कंपाउंड है ये राइट हैंड साइड से देखो तो वेकर प्रोसेस के थ्रू भी ये बन रहा है वेकर प्रोसेस इथिन के ऊपर होता है ठीक है तो हमारे पास रिएक्टेड uh, का स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एल्काइन है सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ए ए ऑप्शन में हमें दिया है ब्यूट टू आइन दिस इज ब्यूट टू आइन इसके ऊपर हम एच टू एड करते हैं और साथ में लिंडलर्स कैटलिस्ट लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट ये जब आप ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड पे एच टू एड कर दीजिए और सिस प्रोडक्ट आता है लिंडलर कैटलिस्ट का ये स्पेशलिटी है कि प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिस होगा सिस एल्किट इज सिपटेंड उसके बाद आप इसका ओजोनालिसिस करोगे ओजोन ऐड करते हैं साथ में जिंक एंड वॉटर ओजोनोलिसिस के टाइम पे ये बॉन्ड क्लीव होता है और हमें फ्रेगमेंट्स मिलती हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन में आंसर आ गया दोनों तरफ से सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है वी हैव टू राइट लिटल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट इट इज विजिबल प्रॉपरली सो ये आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है दिस इज एसी टेलिडीहाइड प्रोडक्ट का नाम है एसी टेलिडी हाइड अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन ने ए भी किसको बोला है जो ये आया सिस ब्यूट टून दिस इज दंपाउंड ए अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन और ओजोनोलिसिस के बाद जो बना वो है कंपाउंड बी एक है ए और एक है बी अब साथ में लिखा है कि वेकर प्रोसेस से भी यही बी मिलता है देखो वेकर्स प्रोसेस का क्या रिएक्शन है इन वेकर्स प्रोसेस इथीन इज कन्वर्टेड टू इथीन से एल्डिहाइड बन जाता है और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता है इट मीन्स कि हमारा रिएक्शन ठीक था ये ब्यूट टू आइन ही है ब्यूट टू आइन से पहले आपने ब्यूट टू इन बनाया जो कि ए है ब्यूटू इन से एल बनाया वो एल डी हाइड एज एंड दैट सेम एसिट एलडीहाइड इज बींग ऑल्सो ऑप्टेंड फ्रॉम वेकर्स प्रोसेस तो आपका आंसर है ऑप्शन ए बी को ट्राई करने का जरूरत नहीं है सी में तो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड दे रखे हैं डी में डी में तो दो दो बार ही ट्रिपल बॉन्ड दिया है वो कार्बन भी पांच है डी ऑप्शन में तो आपके पास ये वेकर प्रोसेस को देख के आइडिया लग रहा है कि वेकर प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो एल्टी होता है और वेकर प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है टू कन्वर्ट इथीन टू एसिटेलिडी गॉट इट सो क्वेश्चन वॉज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर

इलेक्ट्रोलिसिस से लिंक्ड है हमारा ये वाला क्वेश्चन इन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा होगा कि अगर हमें एल्काइन बनानी है तो हम पोटेशियम मैलिएट से स्टार्ट करते हैं कीप इन माइंड सीओ एच होता है और दो बारी होता है और सेम साइड लगा है सिस प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट नहीं दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो सिस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको मैलिक एसिड कहते हैं और ये इसका पोटेशियम सॉल्ट जब पोटेशियम सॉल्ट होगा तो आप उसको पोटेशियम मैलिएट बोलोगे डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर दिया है हम उसको हाईलाइट भी कर देते हैं दिस इज मैलिक एसिड राइट अब मैंने लिख दिया पोटेशियम मैलिएट पोटेशियम मैलिएट का जब एक सोल्यूशन लेके इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसको कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है और प्रोडक्ट में आपको एसिटाइलिन मिलती है अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच टू कार्बन डाइऑक्साइड एच टू एंड के ओ एच विल बी साइड प्रोडक्ट तो मेन आंसर है एसिटाइलीन तो क्वेश्चन ने यही बोला था ना व्हेन यू विल बी टेकिंग सम कंपाउंड ए और फिर आप उसका कॉल भी इलेक्ट्रॉलिस करोगे या यहां साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया यहां सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है तो प्रोडक्ट विल बी एसिटाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी कैन सी एसिटाइलिन इज कमिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कमिंग दिस इज एसिटाइलिन दिस इज सी राइट तो ये आपके पास कौन सा सॉल्ट था ये था पोटेशियम मैलिएट पोटेशियम मेलियट मीन डी इज द करेक्ट ऑप्शन मूविंग टू द्वेश्चन ट्वेंटी नाइन कैटालिस्ट यूज इन डाइमराइजेशन ऑफ प्रिपेयर क्लोरोप्रेन इज वी हैव टू टेक एसिटाइलिन और उसका फिर डाइमराइजेशन करना है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसके दो मोल आपस में ज्वाइन होते हैं तो जब दो मोल जुड़ेंगे तो कार्बन फिर फोर हो जाएंगे डाइमराइजेशन है के ऊपर ही ऐड हो जाती है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे ऐड हुआ तो आपके पास एक जगह पे आ जाएगा डबल और एक आएगा ट्रिपल बॉन्ड राइट ये स्ट्रक्चर मिलता है उसके बाद इसमें डालना है आपको क्लोरोप्रिन बनाना है तो हम एच सी एल एड करते हैं एंड इट इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ सी यू सी एल टू एंड अमोनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने ये देखना है कि डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड पे आप एडिशन करोगे क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट स्टेबल है इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा जिस कार्बन पे क्लोरीन लगाए उससे प्रोडक्ट आपको मिल रहा है क्लोरोप्रेन क्लोरोप्रेन इज द प्रोडक्ट और हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैटालिस्ट बताइए कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है जब क्लोरोप्रिन बनती है क्लोरोप्रिन का सिंथेसिस ये लिख दिया आपको एसिट्लिन के ऊपर एसिट्लिन एडिशन कराना है एडिशन के बाद ये डाइमर बन गया डाइमर बनने के बाद फिर हम एच सी एल एड करते हैं वो एच सी एल ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होता है प्रोडक्ट ऑफ टेंट इज ए कॉन्जुगेटेड क्लोरोल क्लोरोडाइन दो डबल बॉन्ड्स हैं और क्लोरीन है और उसका कॉमन नेम है क्लोरोप्रेन क्लोरोप्रेन प्रेपरेशन के लिए कैटालिस्ट आपको पूछा जा रहा है हमारा आंसर है डी कि कॉपर वन क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड सी यू टू सी एल टू मीन कॉपर वन सॉल्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कॉपर का प्लस वन है बट सी ऑप्शन में कॉपर वन क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है दैट इज नॉट करेक्ट कॉपर वन क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी व्हेन फिनोल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट द मेन प्रोडक्ट इज ये हमारे चैप्टर हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन का प्रेपरेशन रिएक्शन है फिनोल को आप जिंक डस्ट से हीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा बेंजीन बेंजीन प्लस ZnO, फिनोल विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन, राइट तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन. सिंपल है बी ऑप्शन हमारा आंसर जिंक डस्ट जो है वो ऑक्सीजन ले लेगी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद बेंजीन ये आंसर है आपका दिस कंपाउंड इज ऑपटेड कमिंग टू नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बेनजीन रिएक्ट विद एसिटाइलक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एन एलुमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेंजीन जो है जब वो रिएक्ट करती है विद क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्री एल थ्री तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट इज अ नेम्ड रिएक्शन लॉस ऑफ एच सी एल के बाद हमें मिलता है ये कंपाउंड एसीटाइल ग्रुप अटैच हो गया बेनजीन के ऊपर और इसको क्या कहते हैं this is called as acetophenone this is acetophenone and hydra cl 3 hona chahiye reaction is called as friedel Craft. this is friedel Craft acylation this is called as friedel Craft acylation or ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एसिटाइल ग्रुप ने और एसिटाइल ग्रुप आया कहां से जो आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया था उसमें ए एल सी एल थ्री डालते हैं और वो एनहाइड्रस होता है तो प्रोडक्ट आ जाता है ए एल सी एल फोर नेगेटिव प्लस एसाइल कार्बोकेटायज कॉल्ड एस ए साइल कार्बोकेटायोन एंड दिस कार्बोकेटायोन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेस तो ये जाके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करता है कॉरेस्पॉन्डिंगली एक हाइड्रोजन निकल जाती है और एसिटोफिनोन हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिटोफिनोन मीन्स ए ऑप्शन हमारा आंसर राइट right? इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये एक नेम रिएक्शन है कभी कभी इस रिएक्शन के लिए आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछ लिया जाता है तो ये आंसर है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल का नाम है एसाइल ये आंसर था आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एडिशन ऑफ प्रोपीन विद एच ओ सी एल प्रोसीड वाया द एडिशन ऑफ एच प्लस इन द फर्स्ट स्टेप और सी एल प्लस इन द फर्स्ट स्टेप एच नेगेटिव इन द फर्स्ट स्टेप और सी एल प्लस एंड ओ एच नेगेटिव इन द सिंगल स्टेप कहने का मतलब आपसे रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा जा रहा है आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रही है पूछ रहे हैं कि पहले स्टेप में अटैक कौन करेगा क्या लेना है रिएक्टेंट प्रोपीन लेट मी सेटल द्वेश्चन यस प्रोपीन इज गिवन टू यू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इस प्रोपीन में जब hcl डालते हैं ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट कौन है हमारे रिएजेंट का और पॉजिटिव कौन है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन ऐसे याद रखो तो oh इज इस नेगेटिव इसमें cl प्लस है मार्कोनिकॉफ्स एडिशन करेंगे और नेगेटिव पार्ट को हम सेंटर में लगा देंगे और क्लोरीन को हम कॉर्नर पे लगा देंगे ये आपके क्वेश्चन में प्रोडक्ट आ रहा है अब मैकेनिज्म देखेंगे मकैनिज्म में जब भी याद रखो एल्कीन आए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन है सी एल प्लस आपका रिएक्टेंट था प्रोपीन तो प्रोपीन के साथ जब सी एल प्लस अट्रैक्ट होके आ जाएगा उसके डबल बॉन्ड की तरफ सी एल प्लस खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंटर कार्बन इज मोर स्टेबल क्लोरीन कॉर्नर कार्बन पे लग गई और ये टू डिग्री कार्बो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज कॉर्नर पे नहीं लगाना क्योंकि पॉजिटिव कॉर्नर पे लगेगा फिर तो वन डिग्री बन जाएगा और ये वाला स्टेप है जो यही वाला स्टेप स्लो स्टेप है आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप क्या है आपका ये जो इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन बना है उसके ऊपर ओ एच नेगेटिव ऑटोमेटिकली आके ज्वाइन हो जाता है और वो फास्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड प्रोडक्ट विल हैव इन द सेंटर एंड क्लोरीन एट दी एच टू है हर कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट करने ये हमारी सिचुएशन हैज अटैक्ड इन द फर्स्ट स्टेप बी ऑप्शन आंसर है सीएल प्लस को क्लोरोनियम आयन कहते हैं उसका नाम भी पता होना चाहिए सीएल प्लस इज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयोन मकैनिज्म आप देख सकते हैं दोबारा से मैकेजमें स्लो स्टेप के अंदर कौन अटैक कर रहा है सी एल प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ये सी एल प्लस वी कैन मैंशन एज इलेक्ट्रोफाइल गेट्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुअर्ड्स दी डबल बॉन्ड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री विच एल की प्रोडक्ट हैं एक है प्रोपेनल एक है एसिटोन कौन सी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये दो प्रोडक्ट आएंगे ऑप्शन ए ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच पहले हमें ये ए ऑप्शन गिवन है जब आप ओजोनोलिसिस करते हो आपका जो डबल बॉन्ड है वो पहले क्लीव हो जाता है डबल बॉन्ड पूरा का पूरा खत्म कर देना है और ऑक्सीजन को अटैच करने हैं तीन ऑक्सीजन एटम मतलब ओजोन इस तरह से ऐड हो जाती है दिस इज ओजोनॉइड ये जो स्ट्रक्चर बना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ये स्टेबल नहीं है ये ओजोनोइड इसका नाम और जिंक एंड वाटर डालने से ये स्ट्रक्चर टूट जाता है जब आप जिंक वाटर डालोगे तो ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड यू विल गेट सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच ओ फिर दूसरी तरफ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री के नाम ये राइट right साइड पे जो लिखा है दैट इज एसीटोन एंड दिस वन इज एन एल डी हाइड कॉल्ड एज प्रोपेनल अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी एक था प्रोपेनल बनना चाहिए और एक था एसीटोन बनना चाहिए ये प्रोपेनल है अदर मॉलिक्यूल इज एसीटोन तो ए ऑप्शन से ही हमें दोनों मिल रहे हैं हमारा आंसर है ए पार्ट गॉट इट बी के अंदर अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो दो मोल प्रोपेनल मिलेगा बी ऑप्शन से दोनों तरफ से प्रोपेनल आएगा ये भी प्रोपेनल और ये भी सी में एक बनेगा प्रोपेनल एक बनेगा इथेनल क्योंकि एक तरफ तीन कार्बन है एक तरफ दो कार्बन है और डी ऑप्शन में आपको एसिटोन एंड एसिटेलिडीहाइड एसिटोन एंड इथेनल हमारा रिक्वायरमेंट ए ऑप्शन से कंप्लीट हो रहा है तो आपका आंसर है ए आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ टू हेक्साइन टू ट्रांस टू हेक्जीन टू हेक्साइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज एट द सेकेंड कार्बन ये सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल सिक्स कार्बन ये आपके रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर अब आपको ट्रांस टू हेक्जीन बनाना है मतलब हमें एक तो रिडक्शन करना है बट पार्शियल रिडक्शन होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड से सिर्फ डबल बॉन्ड बने आगे सिंगल नहीं बनाना डबल बॉन्ड पे रिएक्शन रोक देना है और प्रोडक्ट हमें ट्रांस चाहिए ये आपके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको ड्रॉ किया दिस इज हैगस टू इन एंड इट इज ट्रांस राइट right? तो H2 टू ऑप्शन जो दिया है H2PDBA, SO4, ये टू पीडी बी एसओ फोर यह तो, तो लिंडलर्स कैटालिस्ट है ना कि ट्रांस एंड एच टू पीटीओ टू भी रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड भी बट लिथियम, अमोनिया एंड इथेनोल दिस इज द एक्चुअल आंसर फॉर ट्रांस प्रोडक्ट वी हैव लिथियम एंड अमोनिया और इट कैन बी इथेनोल इथेनोल सोलवेंट है और आपको यह याद रखना है दिस इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन इट इज अम्ड रिएक्शन फॉर द सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन बट एल्कीन विल बी ऑप्टेन्ड इन ट्रांसमैनर तो आपके पास आंसर बनेगा ऑप्शन डी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही थी कि ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए और दूसरी बात हमें फाइनल आंसर में एल्केन नहीं देना हमें कंप्लीट रिडक्शन नहीं करनी थी सिर्फ पार्शियल रिडक्शन करनी थी दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल और सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एलकाइन टू एलकीन अगर तो सिस आंसर चाहिए सिस एल्कीन तो आपका आंसर ए ऑप्शन होगा पर हमारे को सिस नहीं चाहिए हमें ट्रांस चाहिए तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव दिस क्वेश्चन इज वेन टू ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद पेलेडियम बेरियम सल्फेट द प्रोडक्ट फॉर्मड विल बी अब आपको पेलेडियम बेरियम सल्फेट दिया है देन द प्रोडक्ट विल बी सिन और ट्रांस ब्यूटू इन और वन ब्यूटीन और टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेन दीज आर दी दस टू ब्यूटाइन इज हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड सॉरी मैंने वन ब्यूटाइन बना दिया हमें टू ब्यूटाइन बनाना है टू ब्यूटाइन ट्रीटेड विद एच टू एंड पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट भी एड करना है उससे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा यू हैव सिस प्रोडक्ट ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन ये हाइड्रोजन अबब द प्लेन मिथाइल नीचे लगेगा तो ये है सी एच थ्री ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट लाइक दिस टोटल फोर कार्बनस एंड हाइड्रोजन अटैच तो यह प्रोडक्ट का नाम है सिट टू इन सिट टू इन कब मिलता है जब आप डालते हो एच टू एंड पलेडियम बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट विल बी सिंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको लिंडलर्स कैटालिस्ट बोला जाता है After the name of the scientist, the name of the catalyst is famous Lindler's catalyst. All are important for entrance exams. Coming to the next question 36. The compound formed as a result of oxidation of ethyl benzene by KMNO4 is. Ethyl benzene ka aapko oxidation karna hai with KMNO4. प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू दी बेनजीन रिंग गेट्स ऑक्सीडाइज एक कार्बन का प्रोडक्ट आ रहा है मतलब बेनजीन रिंग के बाद एक, एक एक्स्ट्रा कार्बन जो कि सीओ एच की फॉर्म में है इथाइल बेंजीन से आपने स्टार्ट किया इथाइल बेंजीन में बेंजीन रिंग के ऊपर दो कार्बन थे बट एक ही कार्बन ऑक्सीडाइज होता है दूसरा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है कार्बन डायरेक्टली अटैच कार्बन डायरेक्टली अटैच टू दी रिंग गेट्स ऑक्सीडाइज ये याद रखने का बात है कि जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है सिर्फ वही ऑक्सीडाइज होगा दूसरा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना के आपने साइड पे रिमूव कर देना है तो हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट गोट इट आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्टी सेवन नाउ प्रेजेंस ऑफ ग्रुप इन बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट्स द रिंग टू वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन और एक्टिवेट्स द रिंग टू वर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिकब्च्यूशन रेंडर द रिंग बेसिक और डीएक्टिवेट्स द रिंग टू वर्ड्स न्यूक्लियोफिलिकब्सिट्यूशन तो देखो बेनजीन के ऊपर कैसा रिएक्शन होता है ये तो हमें पता है कि यह डीएक्टिवेट करता है नाइट्रो इज वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो इज एन ई डब्ल्यू जी मतलब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये रिंग के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाता है विड्रॉ कर लेता है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर दो दो ऑक्सीजन अटैच है और वो दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती हैं तो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेता है ये सिचुएशन है हमारे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल कम टुवर्ड्स नाइट्रोजन फ्रॉम दी बेंजीन रिंग तो डीएक्टिवेट कर दिया अब इलेक्ट्रोफाइल इजीली नहीं आ सकता नाइट्रोबेनजीन के ऊपर फिर डीएक्टिवेट तो ठीक है बट आगे देखो डीएक्टिवेट तो ए ऑप्शन में भी दिया है और डीएक्टिवेट डी ऑप्शन में भी दिया है यहां लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन यहां दिया है न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स नहीं आते बेंजीन के ऊपर वही आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेंजीन इज ए रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन में तीन तीन पाई बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स आर दी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई मीन टू से पाई बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट डि एक्टिवेट्स द रिंग टू वर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टू वर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ये रिंक को डीएक्टिवेट कर देता है तो आपके पास आंसर बनेगा ऑप्शन ए पेंजीन और नाइट्रो बेंजीन को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली नाइट्रो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रो ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए बेंजीन के ऊपर आएगा राइट बेंजीन इज हैविंग गुड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अगर बेंजीन की जगह थ्री लगा दिया जाए लेट्स से कि एक जगह है बेंजीन और एक जगह है CH3 ऊपर अटैच्ड मतलब कि टोलवीन तीसरा है नाइट्रो इनके नाम हम दे देते हैं 1 2 एंड 3

तो उससे डेंसिटी बढ़ जाती है अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट द ट्रीटमेंट ऑफ सी एच थ्री एमजीबीआर विद कंपाउंड कंपाउंड है, प्रोपाइन. प्रोपाइन है ग्रिग्नार्ड के साथ सी एच थ्री एमजी एक्स इज कॉल्ड एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनाड्स रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो देखो सी एच थ्री एमजी एक्स ट्रीटेड विद सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये स्ट्रक्चर हमें दिया है तो सी एच को हम अलग से शो करेंगे ग्रिगनाड रिएजेंट का जो आर ग्रुप होता है इट इज अ वेरी स्ट्रांग बेस ये जो ग्रिगनाड का आर होता है इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस और ये एल्काइन का हाइड्रोजन रिमूव कर देता है एल्काइन एंड हाइड्रो एलकाइन एंड ग्रिगनाड आर नॉट स्टेबल दे कैन नॉट स्टे टूगेदर जब इनको कंबाइन किया तो एल्काइन अपना एच लूज कर देती है और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था या मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड था वहां से मिथेन बन गया एंड रेस्ट इज सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी एक्स दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आपके क्वेश्चन में फाइनल आंसर बनेगा मीथेन इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन के बारे में क्या है कि हमारे को यह याद रखना है एल्काइन एंड ग्रिगनाड अगर एल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है दे कैन नॉट स्टे टूगेदर दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन और ग्रिगनाड का आर जो है वो बेस है बेस और हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो एल्केन आंसर मिथेन आपको फाइनल आंसर मिल रहा है अगर यहां मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता तो फिर आंसर इथेन आना था हमें तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया है अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो तो इथाइल और एच जुड़ेंगे और आंसर बन जाएगा फिर इथेन राइट क्लियर लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्लोरिनेशन ऑफ बेनजीन इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोजन कैरियर अगर डाल दिया जाए तो बेंजीन का क्लोरीनेशन हो जाता है बेंजीन वेन ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल सी एल थ्री द प्रोडक्ट ऑफ विल बी क्लोरोबेंजीन एंड एच सी एल राइट तो आपको ये रिएक्शन को नेम देना है कि क्या ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहली बात तो एडिशन होता ही नहीं है बेंजीन के ऊपर बेंजीन में एडिशन बहुत विग्रस कंडीशन में होता है बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है तब जाके एडिशन पॉसिबल है बट रेगुलर सिचुएशन में जैसे कि ये रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है तो यहां सब्सटीट्यूशन है और दूसरी बात बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा कभी भी बेंजीन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वही आएगा तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी देखिए मैकेनिज्म किस तरीके से हम इसको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया सीएल टू डाला आपने सीएल टू के अंदर तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है बट कैसे जनरेट होगा इसके अंदर सी है. वो सी प्लस कैसे जनरेट होता है जब हम एनहाइड्रस एल सी एल थ्री एड करते हैं ये जो ए एल सी एल थ्री आपने डाला है इसको हेलोजन कैरियर बोला जाता है ये एक क्लोराइड को अपने साथ ले गया ए एल सी एल थ्री इज ए लुइस एसिड मतलब एल सी एल थ्री मतलब तीन बॉन्ड तीन बॉन्ड मतलब ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये Cl2 के अंदर का जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको क्लीव कर देता है उसको ब्रेक कर देता है क्लोराइड को अपने साथ ले जाएगा और पीछे जो बच गया वो है इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है क्लोरोनियम आयोन क्लोरीन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज तो इसको क्लोरोनियम आयन कहते हैं ये हमारे रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप अब ये क्लोरोनियम आयन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है बेंजीन रिंग एंड सी एल प्लस से आप ये सिचुएशन देखोगे कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन एंड सी एल दोनों पार्शियल बॉन्ड से अटैच हो गए और पॉजिटिव चार्ज दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इट इज कॉल्ड एज एनियम आयोनियम आयोन एरिनियम आयोन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इस वजह से ये बन गया उसके बाद बट ये स्लो स्टेप था ये डिफिकल्ट स्टेप था यही सारा डिसीजन इसी स्टेप ने लेना है प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है कि नहीं इसमें इलेक्ट्रोफाइल में और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया आफ्टर दैट इट विल लीड टू फाइनल प्रोडक्ट ये आपका इंटरमीडिएट था जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज इट विल लूज एच कैसे एच लूज करता है क्योंकि ए नेगेटिव आएगा और वो एच प्लस को ले जाता है एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे वापस, एरोमेटिक सिस्टम वापस आ गया और हमारा साइड प्रोडक्ट है एच सी एल एंड ए एल सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री एक कैटालिस्ट था कैटालिस्ट इज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटालिस्ट विल सिंपली हेल्प टू कैरी आउट द रिएक्शन एंड क्वेश्चन था कि ये मैकेनिज्म का नाम क्या है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज बी ऑप्शन आपका आंसर क्लियर कमिंग टू नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन ए सेट ऑफ रिएक्शन इथाइल बेंजीन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी रिएक्शंस को देखिए इथाइल बेंजीन रिएक्टेंट है उसमें हमने डाला है के एम एन ओ फोर एंड के ओ एच सम कॉल्ड बी इज ऑबटेंड बी में ब्रोमीन एंड फेरीक्लोराइड डालते हैं तो सी मिलता है सी में इथेनोल डालते हैं तो डी मिलता है वॉट इज डी आइडेंटिफाई डी लेट स्टार्ट राइटिंग द रिएक्शन वी विल स्टार्ट विद इथाइल बेनजीन वैन यू रिएक्टेड विद केएनोफोर एंड के ओ एच द प्रोडक्ट ऑबटेन्ड इज बेन्जोइक एसिड एक कार्बन ऑक्सीडाइज होता है जो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच है उसके बाद डालना है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज एफ थ्री ये जो सीओ ग्रुप है, है ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और आपको मेटा प्रोडक्ट मिलता है इंपॉर्टेंट बात मेटा पोजीशन से आपको बी अटैच करना है राइट सी ओ एच इज अ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज अ मैटा डायरेक्टिंग ग्रुप इट इज मैटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो मैटा पे हमने लिख देना है ये मैटा ब्रोमो बेनजोइक एसिड बन गया दिस इज मैटाब्रोमो बेनजोइक एसिड अब हमारे पास कंपाउंड बी तो बन गया है नहीं बी और सी दोनों बन गए ये बी था और ये सी था फिर क्वेश्चन में देखते हैं सी के बाद क्या करना है उसमें इथेनॉल एंड एच प्लस डालना है वी विल एड सी टू एच फाइव वो एच इथेनोल एंड एच प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कंबाइन होते हैं और एस्टर बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल से एस्टर बना और मेटा पोजीशन से बी आर है तो ये आपका कंपाउंड डी इसका नाम क्वेश्चन ने दिया है डी लेट्स ट्राई आउट दी में आर एक तो मेटा पे होना चाहिए और सी ओ सी टू एच वाई मतलब एस्टर है ये अगर आपको इसका नाम चाहिए तो ये नाम है इथाइल बेंजोएट आई कैन कॉल इट मेटा ब्रोमो मेटा ब्रोमो इथाइल बेंजोएट इट इज एन एस्टर और ये बेंजोएट पार्ट है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर सेवंथ कार्बन है कॉल्ड बेंजोएट, गॉट इट? आंसर बनता है ऑप्शन डी ए में भी एस्टर बना रखा है बी में भी बट ए बी के जो एस्टर्स हैं, वो उनके अंदर ब्रोमीन का पोजीशन ठीक नहीं है सी में तो दिया ही कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में ईथर है योर आंसर इज ऑप्शन डी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मड इन दिस रिएक्शन इज अगेन टॉलवीन इज गिवन ट्रीटेड विद के एम एन ओ फोर यू आरविंग वन कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑन दी बेनजीन रिंग टॉलवीन ट्रीट इड विद के एम एन ओ फोर एंड के ओ एच यू विल गेट बेनजोक एसिड कार्बन डायरेक्टली अटैच टू दी बेनजीन रिंग गेट्स ऑक्सीडाइज ये कंपाउंड ए बन गया बट ए में सीधा हम एच नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले पोटेशियम सॉल्ट बनता है दिस इज पोटेशियम बेंजोएट। उसके बाद आपको एच थ्री ओ प्लस डालना है ये एच थ्री ओ प्लस है और प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट ऑफ एच विथ पोटेशियम यू विल गेट बेंजोइक एसिड दिस इज बेंजोइक एसिड तो बेंजोइक एसिड का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द रिंग गेट्स ऑक्सीडाइज वही कॉन्सेप्ट है, है प्रोटीन में और परोक्साइड भी नहीं डालना ठीक है परोक्साइड डालते हैं तो फिर तो एंटी मार्कोनिक जाती है दिस इज प्रोटीन आई एम एडिंग एच बी आर नो परसाइड नो परोक्साइड मीन्स यू विल कैरी आउट दार्कोनिक एडिशन से क्या बना टू ब्रोमोप्रोपेन टू एडिशन रिएक्शन तो ये रिएक्शन के अंदर ऑप्शंस हैं क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन तो हमारा आंसर है कि एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है अगर कोई परोक्साइड नहीं डाला परोक्साइड डालेंगे तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं बट वेन देयर इज नो शोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन राइट बट अगर परोक्साइड डाल दिया जाए समझ लो कभी ऐसे आ जाता है कि हमने एच डाला और साथ में परोक्साइड डाल दिया फिर प्रोडक्ट डिफरेंट होगा फिर जो बीआर है वो कॉर्नर कार्बन पे लगेगा फिर टू ब्रोमो नहीं फिर वन ब्रोमो प्रोपेन आंसर आता है और उस टाइम पे नाम फिर हो जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये वाला बट रेगुलर कंडीशन में जब आप नहीं डालते हो तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का क्या मीनिंग हुआ आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रोडक्ट दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ए विनाइल ग्रुप टू विथ हाईलिनिक डबल बॉन्ड एन आइसो प्रोफाइल ग्रुप और एसिटलिनिक ट्रिपल बॉन्ड इंपॉर्टेंट बात है कि कोई अगर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में ओजोनोलिसिस करो तो फॉर्मेलिडीहाइड जरूर मिल रहा है ये लिखा है फॉर्मेलिडीहाइड इज ऑप्टेन्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ वी हैव सम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर लेट्स से कि आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें राइट right कॉर्नर पे ये सी एच टू है आफ्टर द डबल बॉन्ड तो जब आप यहाँ ओजोनोलिसिस करेंगे ओजोनोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस टाइम पे डबल बॉन्ड क्लीव हो जाता है एंड यू विल गेट दिस एल डी हाइट दिस इज सी एच ओ प्लस एच सी एच ओ सो एच सी एच ओ जरूर आ रहा है अगले ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में लेट से कि कुछ लेफ्ट पे सम नंबर ऑफ कार्बन इज देयर एंड अगेन यू हैव अ डबल बॉन्ड सी एच टू ऑन द राइट कॉर्नर अगेन वी विल ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट फॉर ओजोनालिस आप जिंक वाटर की प्रेजेंस में ओजोनोइड को ब्रेक करते हो यह स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है लेफ्ट स्ट्रक्चर हैविंग कार्बंस एंड एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड एंड अदर मॉलिक्यूल इज एचसीएचओ इसी तरीके से अगर मुझे ये इथीन दिया हो लेट से इथीन इटसेल्फ इज टेकन एंड ट्रीटेड विद ओजोन इन जिंक वाटर यू विल हैव एचसीएचओ ऑन बोथ साइड्स एचसीएचओ सो एचसीएचओ एक प्रोडक्ट की फॉर्म में जरूर मिल रहा है सो वेन एवर फॉर्मेलिडीड इज कमिंग आउट विनाइल ग्रुप है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब भी होगा तो प्रोडक्ट में आपको एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का मिलेगा तो ये कंफर्म करता है विनाइल ग्रुप को ए आंसर है और ऑप्शन क्या थी टू इथाइलिनिक डबल बॉन्ड्स एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप एसिटिलिनिक दैट इज रॉन्ग विनाइल ग्रुप होने से एक फॉर्मेलिटी मिलेगा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर नाउ विच ऑफ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है ऑप्शन है एन ब्यूटेन वन ब्यूटाइन वन ब्यूटीन आइसोब्यूटीन कीप इन माइंड जब जब बॉइलिंग प्वाइंट की बात हो तो बॉइलिंग पॉइंट इज मोर फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग प्वाइंट हमेशा ज्यादा होता है और ब्रांच चेन का कम होता है हमें तो मिनिमम का आंसर करना है एन ब्यूटेन मीन स्ट्रेट चेन और आइसो ब्यूटेन आइसो ब्यूटीन इज गिवन इन डी ऑप्शन आइसो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आइसो का मतलब एक कार्बन के ऊपर दो मिथाइल और फिर ये सी एच टू दिस इज कॉल्ड एज आइसो अगर आप बाकी स्ट्रक्चर्स बनाओगे वन ब्यूटीन बनाओगे ये तो मैंने डी ऑप्शन को ड्रॉ किया है अगर हम सी ऑप्शन को ड्रॉ करते हैं तो ये है वन ब्यूटीन वन ब्यूटीन मीन स्ट्रेट चेन मोर वंडरवॉल इंटरेक्शन इन स्ट्रेट चेन देयर फोर ब्रांच्ड विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर लो बॉइलिंग पॉइंट राइट तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है आइसो ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट इनमें से मिनिमम होगा ऑप्शन डी बाकी तो जितनी भी ऑप्शन है एबीसीडी सब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पे Among the following compounds, the one that is most reactive towards electrophilic nitration is. देखो क्या क्या ऑप्शन है बेंजोइक एसिड नाइट्रोबेनजीन टॉलवीन एंड बेंजीन ज्यादा फास्ट रेट पे कौन रिएक्ट करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन बेंजोइक एसिड है सी एच ग्रुप एंड एनओ टू हैज नाइट्रो दोनों एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सो वी हैव बेंजोइक एसिड के अंदर सी एच एक विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो भी विड्रॉइंग ग्रुप है दिस इज दी स्ट्रक्चर फॉर बेनजोइक एसिड यू हैव नाइट्रोबेन दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं जब विड्रॉ करते हैं एरो ऊपर की तरफ लगाना है और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ग्रुप के पास चले जाते हैं सीओ एच के पास और एनओ टू के पास राइट वी कैन राइट क्लियरली एनओ टू और ये एरो था फिर दिया है टॉलवीन टॉलवीन इज हैविंग अ सी एच थ्री ग्रुप अटैच एट दी टॉप फिर दिया है बेन्जीन मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप यहाँ हाइपर कॉन्जुकेशन से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी इस तरह से आप देखो जब आप हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रा करोगे तो पूरे हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दिया जाएगा and ch bond will be cleaved we will have this situation hydrogen pe positive charge yahan double bond electrons ko kis tarike se move kiya next pi bond move kar deta hai further ye resonating structures hain aise aise further more resonating structures will be obtained ring ke upar negative charge aa gaya in the next structure अगर हम देखें तो वो negative charge move करके para position पे pahunch जाएगा. यू विल हैव डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन दिस इज एच प्लस एंड नेगेटिव चार्ज विल बी एट पैरा पोजिशन नाउ इस तरह से फर्दर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी सो नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फिल कर देगा सो मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी दिस इज टॉलवीन क्लियर क्वेश्चन इज क्लियर तो आंसर आपका इसके लिए बन रहा है सी ऑप्शन राइट तो आपने क्या क्या देखा है इस uh, 45 क्वेश्चन की लिस्ट में कि किस तरह के रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोकार्बन के अलग अलग कैटेगरी में एल्केन के फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन एल्कीन में सब्सटीट्यूशन नहीं एल्कीन के अंदर एडिशन और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्काइंस में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट एलकाइंस का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थोड़ा स्लो रेट पे होता है एल्कीन का फास्ट रेट पे होता है क्योंकि एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है एसपी कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो पाई इलेक्ट्रोन डेंसिटी को टाइटली होल्ड कर लेता है एज अ रिजल्ट फिर इलेक्ट्रोफाइल डिफिकल्टी से आएगा आपको विग्रस कंडीशंस देनी पड़ेंगी बट एल्कीन में जल्दी आता है एंड देन कम्स एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा बट एडिशन नहीं हो सकती इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होती है और आपने एसिडिटी के लिए देखा एसिडिटी में अल्काइंस टॉप पे होती हैं एल्काइंस आर एसिडिक एसपी कार्बन है बट अगर ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में है तो फिर एसिडिटी नहीं है एल्काइन में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के जो का पोजीशन है वो कॉर्नर पे होना चाहिए तब जाके वो H प्लस का लॉस शो करेगा तब आपको एसिडिटी दिखेगी तो जो भी अल्काइन एसिडिक है वो टॉलेंस टेस्ट देती है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट देती है आप सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि टॉलेंस रिएजेंट होता है अगर ये डालते हो तो ब्यूट वन आइन के केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट आएंगे ब्यूट टू आइन के केस में नहीं आएंगे क्योंकि ब्यूट टू आइन का ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में है राइट तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो माइंड में रहने चाहिए वाइल डूइंग द क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन्स होप यू आर द बेनिफिट्स ऑफ आवर लेक्चर्स and make sure you subscribe to the channel that will help you to get more videos and you can get a better vision thank you and bye bye